देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। कोलकाता में ब्रह्म कुमारीज के रॉय बगान सेवा केंद्र एवं यंग ब्लड क्लब के सहयोग से जीवंत दुर्गा उत्सव का महा आयोजन किया गया। बारा बाजार के CIT पार्क में लगे इस 5 दिवसीय उत्सव का हजारों लोगों ने अवलोकन किया। बीके पूनम, बीके योगिनी, बीके प्रेरणा समेत अन्य बीके बहनों के सहयोग से इस उत्सव का सफल आयोजन रहा। इस दौरान यूनेस्को समेत कल्चरल हेरिटेज टीम एवं विधायक विवेक गुप्ता समेत बड़ी संख्या में प्रतिष्ठित हस्तियों ने पंडाल का अवलोकन किया और अपनी शुभकामनाएं भी दी। ये पहली बार था जब यूनेस्को की टीम पश्चिम बंगाल में दुर्गा उत्सव में विजिट के लिए आई थी और ब्रह्मा कुमारीज के पंडाल को अवलोकन के लिए चुना गया था, जो सभी बीके सदस्यों के लिए हर्ष का मौका बना। छत्तीसगढ़ के कोरबा में गांधी जयंती, बहादुर शास्त्री जी की जयंती, वृद्धजन सम्मान दिवस, राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस, विश्व अहिंसा दिवस, इन सभी का भव्य आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी बीके रुक्मिणी ने अपने वक्तव्य में कहा कि अगर किसी को नशा ही करना है तो वो ईश्वरीय नशा करे, जिससे जीवन में सुख शांति आए। अवसर पर महापौर राजकिशोर प्रसाद, भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक चालवानी, डॉक्टर KC देवनाथ समेत अन्य अतिथियों ने उपस्थित होकर अपने दिल के भाव रखे। तो आज जो बड़े बुजुर्गों का अनुभव होता है वो छोटे व्यक्तियों के लिए एक बहुत बड़ी पूंजी होती है। महात्मा गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उनके द्वारा जो हमें देश का स्वाधीनता प्राप्त हुआ, असहयोग आंदोलन से अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए हमारे देश को आज़ादी मिली। यदि हम अपने बुजुर्गों के साथ रहते हैं तो उस नशा मुक्ति में भी उनका जो निकटता, उनकी निकटता, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा वो टैबलेट की काम करेगा। अगर एक परिवार एक जगह रह रहा है, 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी के लोग एक जगह रह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये जो बीमारी है ये जल्दी से नजदीक नहीं आ सकेगी। भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र द्वारा दूसरों के लिए जियो और दुआएं लो विषय के तहत कार्यक्रम का आगाज हुआ। कार्यक्रम में मुख्य वक्ताओं में जेरियाट्रिक एक्सपर्ट डॉक्टर महेश एन मेमाद्री, कर्नाटक से मास्टर इन फिजियोथेरेपी डॉक्टर हनामंत भार शेट्टी और सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी ने शारीरिक व्यायाम के साथ मानसिक व्यायाम करना भी जरूरी बताया। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में राजयोग ध्यान को एक अभिन्न हिस्सा बनाने का आह्वान किया। जो भी भाग्य हम समझ लें कि हमें तन मन धन जो भी खजाने प्राप्त हुई है, तो उन खजानों को और भी संवारने के लिए बाबा इन 2 रत्नों को हमारे बीच में पहुंचाए हैं। सदा सर्वशक्तिमान बाप के साथ कंबाइंड रहे 0 होकर के। आत्मा भी 0 है ना? आत्मा भी 0 है ना? पॉइंट ऑफ लाइट है, शिव बाबा भी 0 है। भुवनेश्वर में एक उधर ट्रेनिंग चल रहा था, 140 टीचरों का ट्रेनिंग चल रहा था। उधर आती 2 बहनें हम मिलकर बाबा का ज्ञान देकर उनको एजिंग ग्रेसफुली, मतलब बुजुर्गों को कैसे संभालना, एक क्लास भी लेकर आए। बहुत अच्छा लगा। आत्म अनुशासन, संतुलन व मेडिटेशन से रुकेगी दुर्घटनाएं। जी हाँ, यातायात के नियमों का पालन करना तथा अपने और दूसरों के जीवन को भी दुर्घटनाओं से मुक्त बनाना, यही संस्था के यातायात एवं परिवहन प्रभाग का उद्देश्य है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के रतलाम में सुरक्षित भारत सड़क सुरक्षा मोटरसाइकिल यात्रा का शुभारम्भ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों में रेल मंडल प्रबंधक विनीत गुप्ता, उद्योगपति समाज सेवी अनोखीलाल कटारिया, पूर्व भाजपा जिला महामंत्री मनोहर पोरवाल, नगर परिषद नामली के उपाध्यक्ष पूजा योगी की उपस्थिति रही। संस्था के यातायात एवं परिवहन प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके अनीता ने भी रोड सेफ्टी के कई उपाय बताए। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि संस्थाओं के माध्यम से इस प्रकार के आयोजन किया जाना एक बहुत अच्छा संदेश है। और मेरा ऐसा मानना है कि शासन के माध्यम से जो बात कही जाती है लोग उसका पालन नहीं करते, उसको मानते हैं। लेकिन अगर ब्रह्म कुमारी आश्रम जैसे या अन्य इस प्रकार की समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से ये संदेश दिया जाए तो उसका एक प्रभाव होता है। और इस भारत दौर में हर एक शांति है, आज चाहे कोई
रोड पर गाड़ी चलाने वाला हो चाहे पैदल चलने वाला हो, हर एक की गति इतनी बढ़ गई है कि हर कोई जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता है। इसी तरह मध्य प्रदेश के जावरा में भी सड़क सुरक्षा यातायात जागरूकता वाहन रैली व सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अनुभागीय अधिकारी हिमांशु प्रजापति, नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद, वरिष्ठ अभिभाषक स्नेहा मेहरा की मौजूदगी में बिकी अनिता ने विशेष योग करवा कर वायुमंडल में सकारात्मक वाइब्रेशंस फैलाने की बात कही। अवसर पर बीके रजनी, बीके संगीता, बीके किरण, बीके गीता समेत कई स्थानीय लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में थाना प्रभारी वीडी जोशी, औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी प्रकाश कडारिया, यातायात प्रभारी सोनू वाजपेयी समेत कई पुलिस अधिकारियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।